नमस्कार दोस्तों, मैं अनुप राय कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे, और साथों साथ धन्यवाद भी करता हूं। आप लोग मुझे इतना ढेर सारा प्यार देते हैं। हम लोग जो वीडियो अपलोड करते हैं उसमें आप लोग जो कमेंट करते हैं, सभी कमेंट हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं और साथों साथ रिप्लाई देने की भी कोशिश करते हैं। ज़्यादातर नहीं होता है रिप्लाई देने में, हम लोग दे नहीं पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि सभी कमेंट का रिप्लाई दें। तो कीबोर्ड में ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और आपका कैमरा में अटैच करते हैं, उसके बाद आप लोगों को अपलोड करते हैं यूट्यूब में, ठीक है। तो साउंड मेरे हिसाब से कभी भी रिदम रिदम का साउंड, ऑक्टोपैड का साउंड अगर ज़्यादा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। लीड हमेशा आगे रहता है, रिदम हमेशा बैक सपोर्ट रहता है, जिसके लिए आपका क्वालिटी साउंड सुना जाता है। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं। और जैसे आप लोग जितना भी पैडिस भाई है, उन लोगों के कहा कि रिदम को साउंड थोड़ा सा बढ़ा के रखने से अच्छा होता है, तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आगे जितना भी वीडियो अपलोड करें उसका साउंड, रिदम का साउंड थोड़ा सा हाई हो। तो दो तीन दिन पहले जो हम लोग वीडियो सॉन्ग अपलोड किए हैं, उसका सॉन्ग का नेम है पहला रसा पहला कुमार, तो उसी में कोशिश किए हैं पैड का साउंड थोड़ा सा लेवल ज़्यादा हो। तो आप लोग देखे होंगे ज़रूर। तो आज का जो विषय है वो है पहला रसा पहला कुमार सॉन्ग में पैच कैसे बजाएंगे पैड का द्वारा। तो और एक बात छोटा सा टाइम लेंगे आपसे। आप लोग अगर चाहें तो पहला रसा पहला कुमार का जो कैरोक है, जो कैरोक सॉन्ग है, वो आप लोग ले सकते हैं, हम लोगों के पास वो रेडी है। अगर आप लोग चाहें तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं नीचे में व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा और साथों साथ वीडियो का लिंक भी दे दूंगा जिसमें हम लोग अपलोड किए हैं पूरा सॉन्ग। आज से पैच कैसे बजाना होगा वो दिखाएंगे। अगर आप लोग पूरा गाने के साथ देखना चाहें तो नीचे लिंक में जाके देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। सबसे पहले आप लोगों को टोन सुना देते हैं, इसमें कौन सा टोन यूज हुआ है। ठीक है, शुरू से सबसे पहले इसमें पार्कशन से स्टार्ट होता है, उसके बाद रोलिंग, उसके बाद मेन रिदम स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी को ये पैच चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग। तो इस पार्कशन से स्टार्ट करते हैं। इसमें सेवन काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद आपका रोलिंग स्टार्ट हो जाता है। स्लो करके दिखाते हैं इसमें कैसे करके हमने बजाया है इसमें। ए हो गया आपका फर्स्ट रिदम, उसके बाद सेकंड रिदम कैसे आएंगे, जो मेन रिदम आपका, दो रिदम है मेन इसमें रोलिंग के बाद में। तो सबसे पहले ट्रिपल के साथ स्टार्ट होता है, उसके बाद आपका जो नाल का टोन होता है वो यूज होता है, ठीक है।
कैसे करके बजाएंगे थोड़ा सा स्लो में दिखा देते हैं। स्लो करके बजा के दिखा देते हैं कैसा होगा। ठीक है, ये आपका सेकंड रिदम है। उसके बाद इसको रोलिंग करके मैं आपको स्लो करके बजा के दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को सुविधा हो बजाने में। और इसका और एक रिदम है, अभी तो इसमें इस यूज़ किया हम लोग ट्रिपल के साथ स्टार्ट करके, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट होगा नाग का टोन। फर्स्ट रिदम में आपका क्या होता है, ट्रिपल के स्टार्ट होगा, ये वाला टोन आपका यूज होगा। और सेकंड रिदम में ये वाला ट्रिपल टोन जो है वो आपका सेकंड में यूज होगा, फर्स्ट में आपका नाल का टोन यूज होगा। कैसे करके, तो आप लोग समझ पा रहे हैं मैंने कैसे करके ये वाला जो सॉन्ग का पैच है वो बजाया है SPG-20 के पैड में। और मेरा जो फुल सॉन्ग के साथ एकदम प्ले किया है वो आप लोग नीचे लिंक हमने दे दिए, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि किसी कारण से अगर कोई समझ में आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग लिंक में जाके वीडियो देख सकते हैं कैसे करके मैंने बजाया है वहाँ पे फुल कीबोर्ड रिदम के साथ। और ये तो रहा पैच, ठीक है, अभी आप लोग अपना पैड में देखिए कैसे करके आप लोग बजा सकते हैं, कैसे करके आप बजा रहे हैं। थोड़ा सा क्वालिटी में बजाएं तो सुनने में अच्छा लगेगा और रिदम का क्वालिटी भी होगा। तो आज के लिए यही तक, धन्यवाद।